आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। हरियाणा विधानसभा के 21 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी कड़ी में आज रोहतक के गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थानों के छात्रों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शहर में एक रैली निकाली, जिसकी शुरुआत जिला निर्वाचन अधिकारी आर एस वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर कॉलेज प्रांगण से की। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की। सत्य खबर के लिए रोहतक। विधानसभा के आगामी आज चुनाव के मद्देनजर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायतों के अनुरूप ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आप मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, मतदान करें, ताकि सरकार के गठन में वो ये अनुभव कर सकें कि हमारे प्रतिभागी होने के कारण सरकार बनी है, चुनाव हुए हैं। कई बार ये रहता है हमारे मतदाताओं में थोड़ी उदासीनता आ जाती है किसी कार्य के लिए, अनिवार्य कार्य के लिए, तो वो ये समझते हैं अभी मतदान कोई बात नहीं है, फिर कर लेंगे। तो ये 5 साल में एक बार अवसर आता है, तो हमारे आज गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के अधीन हमारी तीनों चारों पांचों संस्थाओं ने मिलकर के एक विशाल मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया है, जिसे हम स्वीप एक्टिविटी बोलते हैं, ताकि लोगों में ये मतदाताओं में ये जागरूकता हो कि हम मतदान जरूर करेंगे और वो अपने घरों में, चाहे वो हमारा मजदूर भाई हो, चाहे वो हमारा दुकानदार भाई हो, या हमारे जितने सर्विस वोटर्स हैं। इस अवसर पर मैं ज़िले के सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। धन्यवाद। तक सही देवेंद्र की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।